परिषद सभासद और महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर माल रोड के सुधारीकरण के कार्यों को सीजन से पहले समाप्त करने की बात कही। आपको बता दें कि इन दिनों मसूरी माल रोड पर सुधारीकरण का कार्य चल रहा है, साथ ही मसूरी में पर्यटक सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तय समय पर कार्य ना होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माल रोड पर जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं और साथ ही स्कूल की छुट्टी के दौरान छात्र छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर्यटकों को भी इसका गलत संदेश जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश उनियाल की UK 24x7 के लिए। देखिए सुबह ही मेरी PWD विभाग में बात हुई थी, जो AE राजेंद्र पाल जी हैं, उनसे मैंने बताया कि मैंने कहा जगह जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है, लोग अपने घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बच्चों को भी चोट लगने का डर है। तो विभाग से सहयोग जब मैंने बोला तो सहयोग मिला। जैसे कल आप देख सकते रेलवे आउट एजेंसी पे पूरा ऐसे मटेरियल पड़ा हुआ था, आने जाने का रास्ता नहीं था। रात को 8 बजे बिजली विभाग वालों ने वहाँ भेज के सफाई कराई। आज जब PWD से कहा कि इंद्रमणि बडोनी चौक पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। अभी मैंने कोतवाल सर से भी बात की है, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं, आते जाते वक्त किसी को भी चोट लग सकती है, छोटे बच्चे हैं, कई बार पेरेंट्स ही छोड़ने जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर से गाड़ियां जाना भी बड़ा दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, उन्होंने कहा मैडम लाइब्रेरी में खड़े हैं, झूला घर पर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आप पर कोई ना कोई इस पर कार्रवाई करेगा। देखिए इसमें तो मैं जनता से भी एक अपील करना चाहूँगी, और हमारे जो बैरियर्स हैं ना वहाँ पे भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगी, नगर पालिका से अनुरोध करना चाहूँगी कि जितने भी टूरिस्ट व्हीकल है ना वो मॉल रोड के अंदर नहीं आने चाहिए। जो स्थानीय निवासी हैं उनके घर हैं तो वो भी कोशिश करें जितना यातायात के जो उनके साधन है इधर उधर खड़ा ना करें। कार्य की गति जो धीमी है उसका कारण है कि यह ट्रैफिक भी है, कहीं ना कहीं अगर अगर हम ठेकेदार से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते तो वो मुझे ये कह देते कि मैडम गाड़ियां आ जाती हैं तो ऐसे में काम की गति जो है वो धीमी हो जाती है। एक और इसमें मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश ठेकेदार को भी देना चाहूँगी कि आपके एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आप 2 व्यक्ति अपने साथ खड़े करेंगे जो यातायात व्यवस्था को देखेंगे, तो कृपया उनसे भी अनुरोध है वो भी अपना काम अच्छे से करें। पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करेगा और बाकी विभाग भी अपना कार्य जो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि तेज गति से करेंगे, लेकिन सहयोग उन्हें भी चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं कैमल बैग रोड पे अभी काम शुरू हुआ है, तो कल जब हमने मीटिंग की तो हमने ठेकेदार से वार्ता की, हमने कहा हमें जल्द से जल्द काम पूरा चाहिए, तो उन्होंने कल का मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, सुबह 4 बजे तक सारा काम किया उन्होंने। कल वो वहाँ तक काम किया था उन्होंने जहाँ पे दूरबीन लगी होती है, लेकिन पैसिफिक तक उन्होंने पूरा काम कंप्लीट कराया, क्योंकि उन्होंने दिन रात काम किया। तो सभी ठेकेदारों को ऐसे करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं, और जनता भी अगर ये चाहती है कि सहयोग होना चाहिए, तो दिन रात दोनों समय काम करना पड़ेगा।